गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी ऑफ क्लास 3 ऑफ हिंदी। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने इस पाठ को पढ़ा था और आज हम पाठ 9 बंदर ने बाटी रोटी पाठ का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। महक, महक का अर्थ है खुशबू या सुगंध। हक, अधिकार। कचहरी, अदालत। खोटा, बुरा या घटिया। प्रश्न एक देखते हैं। बताइए कि ये वाक्य किसने कहे। क, मुझे महक रोटी की आती। तो यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य सफेद बिल्ली ने कहा। ख, दो टांगों से, दोनों टांगों से। यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य काली बिल्ली ने कहा। ग, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूं। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य बंदर ने कहा। प्रश्न 2 है, जो विकल्प सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क, सफेद बिल्ली को किसकी महक आई? दूध की, मिठाई की, रोटी की। तो सफेद बिल्ली को रोटी की महक आई, तो ऑप्शन 3 पे हम टिक करेंगे। ख, बंदर ने दोनों बिल्लियों को यहां चलने को कहा। जंगल में, कचहरी में, बाजार में। तो इसका उत्तर है कचहरी में, ऑप्शन 2 को टिक करेंगे। ग, बंदर ने कितनी रोटी खा ली? पूरी, आधी, एक टुकड़ा। इसका उत्तर है बंदर ने पूरी रोटी खा ली, तो ऑप्शन 1 को टिक करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। क, काली बिल्ली मेरे कमरे में आई। तो इसमें विशेषण शब्द है काली। ख, मेज पर गोल रोटी रखी थी। तो इसमें विशेषण शब्द है गोल, गोल लिखेंगे। ग, तुम तो डरपोक बिल्ली हो। तो इसमें विशेषण शब्द है डरपोक। घ, बंदर चालाक जानवर होता है। इसमें विशेषण शब्द है चालाक। अंग, रोटी का टुकड़ा भारी निकला। इसमें विशेषण शब्द है भारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के पहले एक एक विशेषण शब्द लिखिए। रोटी, तो रोटी के आगे हम विशेषण शब्द लिखेंगे गोल, गोल रोटी। ख, तराजू, तो तराजू के आगे हम विशेषण शब्द लगाएंगे भारी, भारी तराजू। ग, आंख, आंख के सामने आगे हम विशेषण लगाएंगे सुंदर, सुंदर आंख, या आप काली आंख या आप कुछ और भी लिख सकते हैं। घ, टांग, दो टांग। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। क, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ का मैल साफ करना, हथेली रगड़ना, पछताना। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, तो ऑप्शन 3 पे हम टिक करेंगे। ख, इनमें से शुद्ध शब्द है बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। ये तीनों बुद्धि ही लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से दो जो है वो गलत है और सही ढंग जो लिखने का है वो है
ये फर्स्ट ऑप्शन, तो इसको हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ग, मेज डैश रोटी रखी है। इस वाक्य में रिक्त स्थान में यह शब्द भरा जाएगा, में पर से, तो यहां हो जाएगा मेज पर रोटी रखी है। ऑप्शन टू को टिक करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। प्रश्न एक है, बिल्लियां कौन कौन से रंग की थी? इसका उत्तर है, बिल्लियां काली और सफेद रंग की थी। नंबर दो है, कितने बंदर थे? उत्तर है, एक बंदर था। नंबर तीन, बिल्ली ने मेज पर क्या देखा? इसका उत्तर है, बिल्ली ने मेज पर रोटी देखा। प्रश्न चार, मेज पर से रोटी किसने उठाई थी? इसका उत्तर है, मेज पर से रोटी काली बिल्ली ने उठाई थी। प्रश्न पांच, काली बिल्ली ने किसे डरपोक बताया? उत्तर है, काली बिल्ली ने सफेद बिल्ली को डरपोक बताया। प्रश्न छह, बिल्लियों ने झगड़ने का क्या कारण बताया? उत्तर है, बिल्लियों के झगड़ने का कारण रोटी था कि रोटी किसकी है, काली बिल्ली की या सफेद बिल्ली की। प्रश्न सात, बंदर ने क्या फैसला किया? उत्तर है, बंदर ने एक तराजू लिया और फैसला करने लगा। उसने रोटी के दो टुकड़े कर तराजू के दोनों तरफ रख दिए। बराबर बांटने के चक्कर में बंदर चालाकी से सारी रोटी खा गया और रोटी खत्म होते ही दोनों बिल्लियों का झगड़ा भी खत्म हो गया। प्रश्न आठ, बंदर की चालाकी अपने शब्दों में लिखिए। दो बिल्लियां आपस में एक रोटी के लिए झगड़ रही थी। उन दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए बंदर ने देखा। बंदर बहुत चालाक था। वह बिल्लियों के पास गया और उसने कहा, मेरे पास एक तराजू है, चलो मैं तुम दोनों को बराबर बराबर रोटी बांट कर देता हूँ। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए और तराजू के दोनों पलड़ों में रख दिया और बराबर बांटने के चक्कर में पूरी रोटी खाकर वहां से भाग जाता है और बिल्लियां अब बस पछताती रह जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब आप ये सारे बुक वर्क अपनी हिंदी की CW कॉपी में करेंगे। थैंक यू।